हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। और आज की क्लास एक बहुत ही बेहतरीन और खास क्लास होने वाली है, जिसमें हम ये जानेंगे कि संविधान में जो कुछ विशेष वर्ग हैं उनके लिए किस तरीके से प्रावधान किए गए, क्यों किए गए, और किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से उनके लिए विशेष प्रावधानों का जो प्रोविजन था वो किया गया। तो एक अच्छी क्लास होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सी और बहुत सारी चीजें आपको इस क्लास के माध्यम से जानने को मिलेंगी। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप अगर थोड़ा सा जो नए दोस्त जुड़े हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, बीएड सीटेट एमफिल पीएचडी नेट सब क्वालिफाइड है, और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। ललित यादव की पाठशाला के नाम से मैं आपको हर जगह पर अवेलेबल मिलूंगा। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी यूज करते हैं, ललित यादव की पाठशाला को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए इस क्लास का और पुरानी क्लासेस का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। टेलीग्राम चैनल का नाम फिर से बता देता हूँ, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो वहां से सारी चीजें मिल जाती हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, सभी टीचर्स की चाहते हैं कि बेस्ट बेस्ट एजुकेटर्स की क्लास करें, अनलिमिटेड एक्सेस रहे, खूब सारी टेस्ट सीरीज दे सकें, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जिस मर्जी पढ़ना चाहें पढ़ सकें, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिनमें मैं भी शामिल हूं, हम सभी की क्लास एक ही जगह पर एक साथ मिल जाए, हर सब्जेक्ट को दुनिया के सबसे बेस्ट सब्जेक्ट से पढ़ टीचर से पढ़े, तो उसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आप सबके लिए अवसर है ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करने का, बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूपीएससी के लिए अनअकैडमी। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर और अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है यूपीएससी सीएससी का, जीएस या ऑप्शनल जो भी आप करेंगे। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर, तो आपको दो ऑप्शंस आपके सामने खुल करके आएंगे, प्लस का कोर्स दिखेगा इधर ऐसे और वहीं एक आइकोनिक का कोर्स दिखेगा। दोनों में सारी चीजें सेम है लगभग लगभग। आइकोनिक में आपको एक्स्ट्रा अनअकैडमी की तरफ से पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो आपको पर्सनली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराता है डेली बेसिस पर, जिससे आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलते हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई होने की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। अगर आप ये LYLIVE ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं फीस सबमिट करते समय, तो फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। ये एक साल, दो साल और तीन साल की फीस हो जाएगी। सेम आइकोनिक में भी आपको LYLIVE कोड से डिस्काउंट मिलेगा 10% का, एक साल, दो साल और तीन साल की ये फीस हो जाएगी। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर पर्सनली गाइड करता हूं, डायरेक्ट वन ऑन वन आप सीधा मेरे से जुड़ते हैं। तो ये रेफरल कोड याद रखना है, ये आपकी सफलता का रेफरल कोड है। इसको लगाएंगे तो आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी डायरेक्ट टीचर से, जो कि बहुत रेयर होता है ना। तो इसलिए आप एक बार बात जरूर कर लिया कीजिए, जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो वो टीचर से संपर्क कर लिया कीजिए तीन चार बार कि भाई रेगुलर बातचीत हो पा रही है कि नहीं। और उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सब डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। ऑप्शनल कोर्स अनअकैडमी पर अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, कर सकते हैं। ये भी एक साल और दो साल तीन साल के कोर्स अवेलेबल है, इसमें भी आप LYLIVE कोड लगा करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। अभी अनअकैडमी पर आपके लिए कॉम्बो में बहुत बेहतरीन ऑफर आ रखे हैं, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल की फीस बहुत कम पड़ती है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट अनअकैडमी ने कॉम्बो कोर्स में दे दिया है। तो कॉम्बो कोर्स आपको वहां पर मिल जाएगा LYLIVE कोड के साथ। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं अनअकैडमी से, एजुकेशन लोन अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी छुपे हुए चार्ज के और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के किस्तों में आपके अकाउंट से पैसा काटा जाता है, आपकी फीस का पूरा एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो ये लोन की प्रोसेस के बारे में जानना है या लोन लेना है अनअकैडमी से, किस्तों में पैसा जमा करना है, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, बता दीजिएगा आपका करवा दिया जाएगा। नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लोन का फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, मेरा नाम ललित यादव और रेफरल कोड में LYLIVE ये डाल दीजिएगा।
LYLIVE, इसको वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको अनअकैडमी की टीम कॉल करके लोन प्रोवाइड कर देगी और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। जब भी फोन आए तो उनको बोलना कि ललित सर के कोड से लेना है। हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट LY लाइव से खेल करके आप जीत सकते हैं। नए बैचेस 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों मोड में। ध्यान रखिएगा हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप किसी भी टीचर की कोई भी क्लास किसी भी बैच की क्लास को देख सकते हैं, ये आपके पास फ्री होल्ड रहता है। ये मेरे सब्जेक्ट हैं, तीन ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी। नए बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं तो आपका वेलकम रहेगा। अभी अनअकैडमी पर कॉम्बो कोर्स के लिए ऑफर चल रहा है और उसमें आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, 35% डिस्काउंट, जो पहले ऑप्शनल और जीएस आप मिलाकर के जितनी फीस पड़ती थी उसमें बहुत ज्यादा कमी, बहुत ज्यादा कटौती अनअकैडमी के द्वारा कर दी गई है। तो अभी 12 तारीख तक के लिए ऑफर है, अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी कम फीस के अंदर ऑप्शनल और जीएस दोनों आपको करने को मौका मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए, तो LY लाइव कोड याद रखिएगा, ये रेफरल कोड LYLIVE, ये आपकी सफलता का कोड है। ना केवल डिस्काउंट दिलाता है ये कोड आपको एडमिशन लेते टाइम, बल्कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस दिलाता है टीचर से डायरेक्ट, है ना, बिना किसी असिस्टेंट के, बिना किसी मैनेजर के, डायरेक्ट टीचर के साथ आप कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए जरूरी भी है कि वो किसी टीचर की पर्सनल गाइडेंस में रहे, ताकि टीचर उनको समय समय पर खुद बात करके उनकी समस्याओं को जान सके, खुद उनसे बात हो सके, उनको समझा सके, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी उनकी परिस्थितियों को देखते हुए बना सके, वो ज्यादा जरूरी है। उसी से ही एग्जाम भी पास होगा। तो अगर वो चाहते हैं तो यहां पर आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। LY लाइव कोड अप्लाई करके आप बिंदास आ जाना, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज विशेष प्रावधान, तो आज काफी टाइम के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउस द जोश, कैसे हैं भाई, हाउस द जोश। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिक्लेमर जारी कर देता हूं, आपस में बातचीत में संलग्न मत होना, ब्लॉक कर दिए जाओगे। किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत नहीं करना, ब्लॉक कर दिए जाओगे। किसी का प्रचार नहीं करना, ब्लॉक कर दिए जाओगे। क्लास से रिलेटेड कंटेंट पर फोकस रखोगे, क्लास से रिलेटेड डिस्कशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आपका प्रेज किया जाएगा, आपको सराहा भी जाएगा, सवालों का जवाब देंगे, सराहा जाएगा। लेकिन उसके अलावा, स्टडी के अलावा कुछ भी इधर उधर करोगे तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमेशा वेलकम है, पढ़ना चाहते हैं ईमानदारी से, डिटेल से, तो आप सबका वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। चलिए, तो जोश हाई है आपका, उस हाई जोश के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी क्लासेस हमें करनी है आज के दिन में, एम लक्ष्मीकांत की दो चैप्टर और आज रात तक हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए जी, तो विशेष प्रावधान के संदर्भ में जानते हैं, विशेष प्रावधान का औचित्य क्या है, विशेष प्रावधान होता क्या है। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि विशेष प्रावधान का मतलब है कि किसी के लिए कुछ चीजों में कुछ रियायतें देना। एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप अपने परिवार में हैं, आज मदर्स डे है, है ना, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी मम्मी से, आपकी माँ से बड़ा इस दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति कोई होता नहीं है, और उनसे ज्यादा प्रेम आपसे कोई कर नहीं सकता है, है ना, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा मतलब जीवट, अगर कोई जीवटता अगर देखने को मिलती है तो सिर्फ माता माँ में देखने को मिलती है, उनके अलावा कहीं नहीं मिलती, है ना। आप देखना कभी भी उनकी छुट्टी नहीं होती है, नॉर्मली हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सभी लोग छुट्टियां मांगते हैं ना, रेस्ट करते हैं, लेकिन एक माँ की छुट्टी कभी नहीं होती, वो हमेशा पूरे साल भर, पूरी जिंदगी भर, डेली अपने परिवार के लिए उनको सपोर्ट करते हुए चलती है। तो सलाम है माँ के जज्बे को। अब एक सवाल, जब हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे तो विशेष प्रावधान के समझिए, जैसे विशेष प्रावधान को लेकर के अभी बहुत सारे दोस्तों ने आर्टिकल 370 लिखा, बिल्कुल ठीक है, वो विशेष प्रावधान राज्य के लिए है। आज की क्लास में हम राज्य के लिए नहीं देखेंगे, आज से हम जो विशिष्ट वर्ग हैं, विशिष्ट वर्ग के अंदर कौन कौन से समुदाय आ जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट वर्ग, तो विशिष्ट वर्ग में अगर हम बात करें तो पहला जो है अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और चौथा जिसको है वो इकोनॉमिक
वीकर सेक्शंस EWS, ये जो समुदाय हैं इनको हम विशिष्ट या विशिष्ट वर्ग बोलते हैं, जो समाज के अंदर जिनके साथ पुराने समय में कुछ इस तरीके के भेदभावपूर्ण व्यवहार इनको इनके साथ किया गया था, जिससे कि विकास की दौड़ में पिछड़ रह गए थे। अब ऐसे में इनको सामाजिक न्याय की दृष्टि से बराबरी के स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि आपके परिवार में आप मान लीजिए आप तीन चार भाई बहन हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, आजकल वो जमाना चला गया तीन चार भाई बहन का, आजकल तो बच्चे दो ही अच्छे या एक ही मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तीन चार या पांच भाई बहन हैं आप लोग, और ऐसे में आपके परिवार में कोई बच्चा है, आपका कोई भाई या बहन है जो शारीरिक रूप से कमजोर है, या शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ तो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा चीजों में कमजोर है, तब आप देखोगे कि आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा उस बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा ही विशेष ध्यान देंगे, उसको स्कूल, आपको हो सकता है कहें कि भाई तुम स्कूल खुद चले जाओ, कॉलेज खुद चले जाओ, खुद ही आ जाओ, लेकिन उस बच्चे को वो खुद अपने आप स्कूल भी छोड़ने जाएंगे, स्कूल से लेकर के भी आएंगे, खाना खिलाते समय भी अपने साथ रखेंगे, बाहर घुमाने ले जाएंगे तो भी हमेशा अपने साथ रखेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो बेसिकली वो एक तरीके से उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कर दिया गया, एक विशेष प्रावधान कर दिया गया कि भाई मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो जिंदगी में हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तक कि तुम बाकी लोगों के बराबर स्तर पर ना जाओ। सेम यही विशेष प्रावधान यहां पर कमजोर वर्गों के लिए किया जाता है, और मम्मी पापा का रोल जो है यहां पर राज्य निभाता है, बेसिकली सरकार की बात करते हैं तो सरकार वो माता पिता जैसा रोल निभाता है, और जो विशिष्ट वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए जाते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें आरक्षण भी आ जाता है, ठीक है, आरक्षण को भी देख लेंगे। तो आज की क्लास में हम बाकी सारी की सारी चीजों को देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, विशेष प्रावधान का औचित्य क्या है देख लेते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब इसके अंदर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक वर्ड जो है वो काट देना है, ये जो आंग्ल भारतीय है इसको काट देना है, ये पहले किया गया था, अब आंग्ल भारतीयों के लिए कोई विशेष प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कैसे उसको मैं समझाऊंगा क्लास के अंदर, अपडेट कराऊंगा कि क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से वो हट गया। ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग 16 में धारा 330 से 342 ए में उल्लिखित है, यानी कि अनुच्छेद 330 से 342 ए तक आपको इन सभी के लिए प्रावधान देखने को मिलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो इसमें एक और चीज जोड़ लीजिएगा, आंग्ल भारतीयों की जगह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि EWS को यहां पर जोड़ लीजिए। अगर आप बुक लेकर के साथ में बैठे हैं तो इसको अपडेट करते हुए चले जाइएगा मेरे दोस्त, करेक्ट करते चले जाइएगा, EWS को जोड़ लेना है, उसके लिए भी संविधान में संशोधन हो करके उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया है, 10% का, 10% का रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी उठाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रावधान किन किन चीजों से हैं, क्या क्या चीजों में उनको विशेष, अगर हम देखते हैं स्थिति या विशेष तौर पर उनकी मदद करने के लिए प्रयास किए गए। सबसे पहली चीज विधायिकाओं में आरक्षण। अब विधायिकाओं में आरक्षण की बात हम यहां पर दोनों स्तर पर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों स्तर का मतलब भारत में कैसी व्यवस्था है भाई, भारत में संघवादी व्यवस्था है, भारत में फेडरलिज्म है ना, और जो संघ है उसमें सरकार के दो स्तर देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत में एक अलग तरीके की संघवादी व्यवस्था 1993 के बाद से स्थापित हुई, जिसमें सरकार के तीन स्तर देखने को मिलते हैं। एक ऊपरी स्तर पर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार, निचले स्तर पर देखें तो राज्य सरकार, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें तो तीसरा स्तर जो है वो स्थानीय सरकार है, स्थानीय यानी कि पंचायती राज और नगर प्रशासन उनसे संबंधित। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब हमारा संविधान बना था तो भारत में दो तरीके के स्तर थे, संघवादी व्यवस्था में केंद्र और राज्य को ही अपनाया जाता था, तो जब संविधान बना तो जो ये विशेष प्रावधान की बात करते हैं तो ये विशेष प्रावधान संसद यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के विधानमंडल, राज्य विधायिका, ठीक है, राज्य विधायिका, इन दोनों के स्तर पर किए गए थे।
जैसे कि संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित कर दिए जाना, राज्यों की विधायिका में प्रावधान कर देना कि भैया वहां पर जनसंख्या के अनुपात में या राज्य के विधान के अनुसार वहां पर सीटें आरक्षित हों, ठीक है। लेकिन 1993 के बाद से 1990, इसके नीचे फिर हम देखेंगे 1993 से 1993 जब पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया, 1992 का एक्ट था लेकिन 1993 में वो लागू हो गया। 1993 में लागू होने के बाद तीसरा स्तर भी यहां पर जुड़ गया जिसको हम बोलते हैं स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर भी आपको आरक्षण मिलता है कि नहीं? पंचायती राज व्यवस्था में आप देखते हो ना, आरक्षण है महिलाओं के लिए है 1/3, उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और राज्यों की विधायिका के ऊपर यह भी छोड़ा गया है कि आप चाहें तो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकते हैं। तो विशेष प्रावधान आपको तीनों स्तर पर मिलेंगे। हमारे जो संघवादी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, उसके तीनों ही स्तरों पर आपको विशेष प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बातें नहीं करना और क्लास पर फोकस करना है। विधायिकाओं में आरक्षण दिया जाता है। दूसरा, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, यानी कि विशेष प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि भाई अगर आपको इलेक्ट नहीं किया गया तो आपको नामांकित किया जाए, नॉमिनेट किया जाए। नॉमिनेशन का मतलब पता है, जैसे आंग्ल भारतीय समुदाय जो एंग्लो इंडियंस थे उनको पहले आरक्षण था ना लोकसभा में, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनके दो सदस्यों को नामांकित कर सकता था, तो वो विशेष प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ठीक। नौकरी एवं पदों में आरक्षण, आप सबको पता है नौकरी और पदों के आरक्षण के लिए भी प्रावधान है। अगर हम आर्टिकल बात करें तो 15 इसमें शिक्षा को लेकर के, आर्टिकल 16 इसके अंदर नौकरी को लेकर के राज्य को यानी कि सरकार को विशेष प्रावधान शक्ति दी है संविधान ने कि अगर वो चाहे तो इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण दे सकता है। तो आपको आरक्षण मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? अगर हम आरक्षण की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में आरक्षण को देख लेते हैं, ओबीसी के लिए कितना आरक्षण है भाई, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना आरक्षण है, 15%। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितना आरक्षण है, 7.5%। ईडब्ल्यूएस जो अभी लेटेस्ट जुड़ा गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए कितना आरक्षण है, 10%। तो ये आरक्षण जो है ये तो आपको संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ है, संविधान ने दिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संवैधानिक आरक्षण। आरक्षण के भी अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। ये तो हो गया संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए आरक्षण जो किसी विशिष्ट वर्गों को दिया गया है। अब इनके अलावा समाज में इन सभी वर्गों के अंदर भी कुछ विशिष्ट समूह होते हैं। विशिष्ट समूह कैसे, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो महिला हो गई, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं तो दिव्यांग हो गए, है ना। दिव्यांग जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कहीं पर भी बाकियों के मुकाबले कुछ कमजोर रह जाते हैं। महिलाएं भारत के अंदर अगर सबसे पिछड़ा हुआ अगर कुछ है, सभी वर्गों के अंदर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनमें भी अगर कोई सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो महिलाएं हैं, तो इनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है। इनके लिए भी जो है आरक्षण कानून के माध्यम से, है ना, संविधिक कानून के माध्यम से। जैसे कि आप देखते हैं कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसमें दिव्यांग का कोटा अलग से रहता है। सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें कई सारे स्टेट्स में या कई सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अलग सीट बनाई जाती है। आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखेंगे, शैक्षणिक संस्थान देखेंगे तो वहां पर महिलाएं और दिव्यांग के लिए विशेष कोटा होता है। तो कानूनी रूप से दिया गया आरक्षण भी शामिल है, यानी कि इनके लिए विशिष्ट प्रावधान जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक अनुदान, शैक्षणिक अनुदान का मतलब यह है कि स्कॉलरशिप दे दी जानी, और आपने शैक्षणिक अनुदान देखे होंगे सरकार के द्वारा। अगर आप इन किसी भी वर्गों से संबंधित हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा समय समय पर इन विशिष्ट वर्गों के बच्चों के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा को पूरा करवाने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मान लीजिए प्रतिमाह 2,000 रुपए उनको एक स्कॉलरशिप के रूप में दे दिया जाता है, ताकि दे दिया जाए ताकि वो स्कूल की एजुकेशन अपनी पूरी कर सके, आने जाने का किराया वसूल कर सके, है ना। स्कूल के अंदर उनको फ्री में ड्रेस, फ्री में किताबें, इस तरीके से चीजें दिलाना, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए
वो कहीं पढ़ाई के स्तर से में पीछे ना रह जाए, तो इस तरीके के विशेष प्रावधान भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग का गठन, नेशनल कमीशन जो है वो बनाए गए हैं, आप सबको याद होगा अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके संदर्भ में चर्चा करी थी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है, महिला आयोग भी है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है, और भी कई सारे अधिक आयोग हैं जो कि इनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनके लिए विशिष्ट प्रावधान है। जांच आयोग का गठन, जो इनके साथ होने वाली अत्याचार की घटनाओं के प्रति जांच करते हैं, आमतौर पर जैसे कि जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ये कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो विशिष्ट वर्गों के लिए सरकार के द्वारा किए जाते हैं। कुछ प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, कुछ प्रावधान को संसद के एक्ट के माध्यम से बना दिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान है और किस तरीके से प्रावधान होते हैं। इन प्रावधानों की जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसमें इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक वर्ग जिसको हम बोलते हैं स्थाई और दूसरा जिसको बोलते हैं अस्थाई। इनमें से कुछ प्रावधान संविधान के स्थाई अंग हैं, जबकि कुछ एक खास समय तक के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, संरचनात्मक एवं विकास मूलक, इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते संरचनात्मक जिसमें सामाजिक आर्थिक शोषण से बचाना है, तो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, ठीक है, आर्टिकल 15 आप देखोगे वो इसमें आ जाता है। अगर विकास मूलक की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 4 वो आ जाता है, जिसमें नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं जिससे कि इनका उत्थान हो सके, है ना। एक के माध्यम से भेदभाव से रोका गया और एक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में इनको भागीदारी दी गई, इसमें हम बांट सकते हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि वर्गों का आधार क्या है, क्यों इनके लिए इस तरीके के विशिष्ट प्रावधान किए गए और क्या रीजन रहा, इसको आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाएगा, हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। अब दो तीन चीजें समझिए, जब हम आजाद होते हैं तो हमारी आजादी के समय हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी और भी बहुत सारी व्यवस्था अगर हम देखते तो उसमें कई सारी समस्याएं आपको वहां पर देखने को मिलती थी, और क्या समस्याएं देखने को मिलती थी उसको देखिए। हमारी आजादी का संघर्ष जो है वो अंग्रेजों से आजादी का संघर्ष ही नहीं था, इसके साथ साथ भारत के अंदर जो जातिगत आधार पर भेदभाव था उस भेदभाव के खिलाफ किए जाने वाला संघर्ष भी था। जो जातियों के अंदर जो एक विशिष्ट समूहों के बीच उच्च और नीच निम्न उनके बीच जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए भी किया जाने वाला संघर्ष था। महिलाओं के द्वारा पुरुषों के खिलाफ किया जाने वाला संघर्ष भी था ताकि उनको भी उनके अधिकार मिल सके, क्योंकि परिस्थितियां उस समय बहुत खराब थी। आप देखोगे तो भारत में जाति व्यवस्था की जकड़न बहुत मजबूत थी उस समय, आप जिस जाति में पैदा हो जाते थे उस जाति से बाहर का काम अगर करना आप चाहते तो आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गए तो बाकी समाज के सारे वर्ग उनका फोकस यही रहता था कि आप कुम्हार ही बने, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते होंगे तो आपके रास्ते में हजार बाधाएं डाल दी जाती थी, आपको पढ़ाई को लेकर के बाकी सब चीजों को लेकर के। आपके साथ हर मामले में वहां पर देखोगे जो विशेष वर्ग हैं इन विशेष वर्गों के साथ हर मामले में दोयम रवैया अपनाया जाता था। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश नहीं किया जाने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, है ना, सड़क के ऊपर चलने के लिए इनको अलग से एक जगह देते थे कि वहां से चलो, सड़क के बीच से या मेन रास्ते से नहीं जाओगे, क्योंकि अगर मान लीजिए तुम निम्न वर्ग के हो और तुम वहां से चल रहे हो
और उसी दौरान वहां पर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति आ गया और उसके ऊपर तुम्हारी अगर परछाई भी पड़ गई तो वो अपवित्र हो जाएगा, इस तरीके के प्रावधान थे, है ना। मतलब इतना एक जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही घृणित किस्म का भेदभाव आपको देखने को मिलता था। अमानवीय दशाएं थी। अमानवीय दशाएं समझिए कि जब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, तब हम पूरे भारत को एक इकाई के रूप में मानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए तो हम जाति के आधार पर आपस में बट जाते हैं, ठीक है। फिर ये जाति वो जाति फलाना जाति ऊंची जाति नीची जाति वगैरह वगैरह के रूप में चीजें हो जाती थी। तो जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो अब ये समझ में आया कि भारत जो है एक विविधताओं वाला देश है, एक डाइवर्सिटी वाला देश है, और अगर भारत के अंदर इन विविधताओं को सबको सम्मान देना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, भेदभाव को रोकना है, किसी भी तरीके की समस्याओं को या भारत की अखंडता को खतरा ना पहुंचे, उन चीजों को ध्यान में रखना है, तो हमें समानता का अधिकार देना पड़ेगा, राइट टू इक्वालिटी देनी पड़ेगी। अब संविधान निर्माताओं ने सभी जातियों सभी वर्गों सभी धर्मों को भारत के सभी को उनको नागरिक होने के रूप में समानता का अधिकार दिया, लेकिन ये समझ गए थे हमारे संविधान निर्माता कि भाई केवल अधिकार दे देने से, समानता के अधिकार दे देने से काम नहीं होगा। मान लीजिए आप एक परिवार में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप अपने से उदाहरण से ले लीजिए, आप एक परिवार में रहते हैं, अब उस परिवार के अंदर दो लोग हैं, दो भाई हैं, ठीक है। एक भाई जो है वो उसको बचपन से ही, क्योंकि वो बहुत सुंदर था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि वो बहुत सुंदर था, हट्टा कट्टा था, लोग उसको पसंद करते थे, तो आपके घर वाले उसी को ही फोकस करते थे, उसी के ऊपर ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया, उनको लगता था कि यार कितना अच्छा बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना हट्टा कट्टा है, लोगों में भी तारीफ होती है, तो उसको वो अच्छी एक्सरसाइज करवाते, अच्छा खाना खिलाते, अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजते। दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा था जो रंग रूप में देखने में इतना हो सकता है इतना आकर्षक ना रहा हो, थोड़ा सा क्रूर तरीके से रहा हो, तो लोग उसको देख करके कन्नी काट लेते, तो परिवार के लोगों को भी हो सकता है कि लगता हो कि भैया कि ना ना ये हमारा आगे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा नहीं। आमतौर पर लड़कों के बारे में परिवार की राय यही रहती है कि बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, कैसा बनते हैं वो तो सभी को पता है, कोई बनता है कोई नहीं बनता, वो डिपेंड करता है किस तरीके की प्रवृत्ति है। फॉर ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए दोनों बच्चे बड़े होते हैं, एक खूब अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली एक, और एक को बिल्कुल शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई, घर के अंदर ही बंद करके रखा गया, घर के अंदर ही काम करने दिया गया। अब बाद में एक समय के बाद जाकर के परिवार को ये रियलाइज होता है यार कि दोनों ही हमारे ही बच्चे हैं, तो इन दोनों को ही बराबर अधिकार दे देने चाहिए, है ना, दोनों को ही अच्छा खाना दिया जाए, दोनों को अच्छे घर दिया जाना चाहिए, दोनों को अच्छे को रहने के लिए काम करने की दशाएं देनी चाहिए। अब ये होगी समानता, ये तो होगी इक्वेलिटी, लेकिन क्या ये जो वर्तमान समय में आप जो समानता लाए इससे आप वो भरपाई कर सकते थे जो पुराने समय पर जो उनके साथ हुई? एक बच्चा जो बचपन से स्कूल नहीं गया, अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छी तरीके से वो जिया नहीं, तो उसका शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकास कम हुआ, ठीक है, उसकी गरिमा को जो ठेस पहुंची वो हुई, तो वो क्षतिपूर्ति कैसे करोगे? अभी वर्तमान में कहोगे कि चलो तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों को बराबर खाना दिया जाएगा, बराबर पैसे दिए जाएंगे, तो ऐसे में जो एकदम पहले से सक्षम है तो वो तो और सक्षम होता चला जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर आया जो बच्चा, उसको अब अगर तुम अभी बराबर का अधिकार दे दोगे तो वो कैसे उसको मैनेज कर पाएगा, वो दूसरे वाले की बराबरी कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है ना, उसका आत्मविश्वास भी डगमगा चुका है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, उसको कुछ चीजों में विशेष अधिकार देने पड़ेंगे कि ठीक है भाई देखो तुम्हें शिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी आगे की जितनी भी चीज है उसका खर्चा परिवार की तरफ से एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मतलब पहले इतना पौष्टिक भोजन वगैरह नहीं दिए गए तो एक काम करते हैं कि चलो तुम्हें हम एक जमीन का टुकड़ा या एक घर या एक खेत एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि उसके माध्यम से तुम आने वाली अपनी पीढ़ी उसको और ज्यादा बेहतर मजबूत बना सको। कहने का मतलब उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए, कुछ विशिष्ट प्रावधान जो है वो कर दिए गए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर वर्गों के आधार पर भी की गई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन दोनों वर्गों के लिए किया गया था संविधान में प्रारंभ में। ये बहुत
ध्यान से समझिए कि आज के समय में, वर्तमान समय में जब हम विशिष्ट प्रावधानों की बात करते हैं, तो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस दोनों देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति इन्हीं को ही प्रावधान किया गया था, ठीक है, इन्हीं के लिए ही प्रावधान किया गया था आरक्षण के लिए। साथ ही आंग्ल भारतीय कुछ अल्पसंख्यक समुदाय थे, उन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी प्रावधान किए गए थे। बाकी जो है, अब आप कहोगे कि ओबीसी कहां से आ गया, फिर ईडब्ल्यूएस कैसे आ गया, तो समय के साथ साथ प्रक्रिया के आधार पर आया। 1990 के दशक में ओबीसी आया और वर्ष 2019 में आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस भी आ गया। इनके कैसे आए, इनके ऊपर भी प्रक्रिया, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो एक एक करके देखेंगे कि ओबीसी का आरक्षण कैसे आया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे आया। अभी हम बेसिकली एक मूल बात जो है वो जानना चाह रहे हैं, वो जानने की बात यह है कि इनके लिए विशेष प्रावधान कहां से हुए, क्यों किए गए, इसका आधार समझ पाएंगे ना। कई सारे लोग जो हैं, कई बार हमेशा ऐसा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर मतलब आरक्षण क्यों है, स्कूलों में आरक्षण क्यों, नौकरी में आरक्षण क्यों, क्या रीजन है जो इतना आरक्षण दिया गया। तो उसके पीछे का आधार यही था, आधार यह था कि उनके साथ पुराने समय में इतना ज्यादा भेदभाव हो चुका था कि वो विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ चुके थे। अब ऐसे में एकदम से तुम उनको कहोगे कि तुम्हें समानता का अधिकार है, जाओ स्कूल में एंट्री करो, पढ़ो। अब उन्होंने, उनके पास सबसे पहले, उनके सामने सबसे बड़ी बुनियादी मुद्दा, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं दो वर्ग हैं, दो हैं, एक सक्षम वर्ग है, ठीक है, पहला और दूसरा, ये दो वर्ग हैं। एक जो है वो सक्षम वर्ग रहा है आजादी के समय, और दूसरा जो है वो कमजोर वर्ग रहा है। इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा। आजादी के समय मान लेते हैं जो सक्षम वर्ग था, उसका दबदबा था अपने क्षेत्र में, अपने गांव में। एक गांव का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, एक गांव ले लेते हैं, गांव का नाम लिख लेते हैं, क्या कोई भी गांव का कुछ भी नाम ले लो, रामपुर ले लेते हैं, ठीक है, सोलेम फिल्म की तरह रामपुर गांव, ठीक है। तो एक रामपुर गांव का उदाहरण ले लेते हैं, उसमें एक व्यक्ति था जो उच्च वर्ग से संबंधित था, तो उसको प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा खाना मिला, सम्मान मिला, ठीक है, परिवार को आय के साधन थे, जमीन के ऊपर कब्जा था, जमीन जायदाद अच्छी थी। वहीं दूसरा जो बी जो था, एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति, उसको शिक्षा नहीं लेने दी गई, उसको पढ़ने नहीं दिया गया, ठीक है, उसको सरकार कहीं नौकरी में भागीदारी नहीं लेने दिया गया, उसको मजबूर कर दिया गया कि तुम निम्न स्तर का ही काम करो, ना ही उसको जमीन या संपत्ति रखने दी गई। ये दो व्यक्ति हैं। अब एकदम से हम हो जाते हैं आजाद, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अगर मान लेते हैं कि अब हम हो गए आजाद, अब आजाद होते ही क्या लग गया, संविधान लागू हो गया, ठीक है, मान लेते संविधान बना और 1950 में संविधान लागू हो गया, और संविधान ने दे दिया इनको समानता का अधिकार कि ठीक है भैया, अब तुम हर मामले में समान हो, शिक्षा के मामले में समान, नौकरी के मामले में समान। अब आपको ये देखने में तो लगेगा कि इक्वालिटी बड़ी सही है, ऐसा ही होना भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में इस समानता का लाभ कौन उठाएगा। अगर उस समय ये बोल दिया जाता है कि, बोल दिया गया कि भाई सभी तुम शिक्षा के मामले में समान हो, स्कूलों में तुम जाओ, कॉलेज में जाओ, अच्छे से पढ़ो, लिखो, काम करो, तुम्हें कोई किसी जाति के आधार पर नहीं रोकेगा, नहीं टोकेगा। अब ये जो सक्षम वर्ग है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो कॉलेज में ये पहुंच जाएगा, पढ़ लेगा। लेकिन ये जो कमजोर वर्ग, जिसने स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं की, जिसको स्कूल में जाने ही नहीं दिया गया, ये कहां से जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेगा भाई, बताओ। ये कहां से जाकर के सरकारी नौकरी कर पाएगा जब इसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं है। समानता का अधिकार तो दे दिया, बोल दिया कि भाई नौकरी कर लो, स्कूल में चले जाओ, लेकिन है तो नहीं, योग्यता तो नहीं उस समय। और क्यों नहीं है, उसमें इनकी गलती नहीं, इसलिए क्योंकि हमारी जाति व्यवस्था, हमारी सामाजिक ढांचा इस तरीके से था कि कुछ वर्गों को जानबूझ करके आगे नहीं जाने दिया गया, उनको सामाजिक व्यवस्था में कि उसके बंधनों में जकड़ करके नीचे रखा गया। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है सामाजिक न्याय, जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या कहता है, सामाजिक न्याय ये बोलता है कि जो लोग सक्षम, हर व्यक्ति के साथ अलग तरीके से भेदभाव कर के आधार पर व्यवहार करना, और ये भेदभाव जो है ना, उस सकारात्मक भेदभाव होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस। यानी कि जो सक्षम वर्ग है, अगर इसको तुम चाहते हो कि भैया कॉलेज में इसके बच्चे भी पढ़े, कमजोर वर्ग के बच्चे ये भी पढ़े,
तो पहले इनको स्कूल लेवल तक लाना पड़ेगा। अब स्कूल लेवल तक कैसे आएंगे, क्योंकि इनके पास स्कूल में तुमने बोल दिया कि एजुकेशन लेना है, पढ़ना है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी बुनियादी चुनौती यह है कि ये परिवार का पेट कैसे पाले, क्योंकि जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, नौकरी नहीं है, दिहाड़ी के आधार पर काम करके जैसे तैसे करके अपना काम चलाते थे। तो ऐसे में सबसे पहले सरकार कोशिश क्या करती थी कि इनको कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए, जैसे कि रहने के लिए एक प्लॉट दे दिया गया, या इनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम चला दी गई कि भैया देखो स्कूल में आओगे तो हर महीने तुम्हें 2,000 रुपए या 1,000 रुपए मिलेंगे। तो उस बहाने बच्चे स्कूल में आने लगे तो उनको सपोर्ट मिलने लग गया, जो पैसा वो नौकरी करके या कुछ दिहाड़ी मजदूरी काम करके कमाते वो पैसा उनको सरकार के माध्यम से मिलने लग गया, तो बच्चे पढ़ने लगे, है ना। तो वो बेसिकली एक इस समाज इन विशिष्ट वर्गों को, पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, उत्थान के लिए किए गए प्रावधान थे, ताकि वो समाज में एक बराबर लेवल पर आ सके। जब सभी लोग बराबर के स्तर पर आ जाएंगे ना, उस समय आप इस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर सकते हो। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, एक दिन इसके ऊपर अलग से मैं स्पेशल क्लास लूंगा, बहुत डिटेल में लेंगे आरक्षण के ऊपर कि क्या चीज है आरक्षण, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों दिया गया, क्या क्या पहलू है। अभी बस एक ओवरऑल आइडिया आप देख लीजिए। ओवरऑल आइडिया ये है कि ये इसलिए दिया गया क्योंकि इनके साथ जो पुराने समय में जो विसंगतियां रही उनको दूर करने के लिए और अभी समाज में एक बराबरी के स्तर पर लाने के लिए प्रावधान जो है ये किए गए। ठीक है, चलिए आगे चले। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो, ये देख करके अच्छा लगा कि कम से कम यहां पर क्लास में आप सब लोग किसी मुद्दे पर तर्क वितर्क कर रहे हैं ना, आपस में ही प्यार मोहब्बत और उल्टी सीधी चीजों में घुसने की बजाय किसी मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसी के ऊपर बने रहना है और यही तर्क वितर्क होना चाहिए। अब तर्क वितर्क में सभी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि वो सभी को पसंद आए, लेकिन एक संयमित मर्यादा पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए उन तर्कों को रखना सीखना है आपको। ठीक है, एक ये यूपीएससी एस्पिरेंट की असली पहचान यही रहेगी, यही आपके एटीट्यूड को, आपकी जो है ना उसको वृद्धि करने में मदद करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर संविधान जब बना तो संविधान ने यह निर्धारण नहीं किया कि कौन अनुसूचित जाति में होगा, कौन अनुसूचित जनजाति में होगा। कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने उनको देख कहते हुए सुना है कि भाई संविधान निर्धारित करता है कि कौन अनुसूचित जाति में है, कौन अनुसूचित जनजाति में है। ऐसा नहीं है, अनुसूचित जाति संविधान ने केवल यह कहा कि भाई आरक्षण दिया जाना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। और अब मुद्दा ये आ गया कि ये निर्धारण कौन करेगा, ये बताएगा कौन की कौन अनुसूचित जाति में है और कौन अनुसूचित जनजाति में है। इस चीज का निर्धारण करने की शक्ति जो है वो सरकार संविधान ने किसको दे दी, राष्ट्रपति को दे दी। ठीक है, कि कौन कौन अनुसूचित जाति में होगा, कौन अनुसूचित जनजाति में होगा, इसकी घोषणा, इसकी अधिसूचना जो है वो राष्ट्रपति जारी करेगा। और यह भी स्पष्ट कर दिया कि हर राज्य में उनके राज्यों के स्तर पर देखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातीय समूह, ठीक है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनमें आप देखोगे अलग अलग समूहों को, अलग अलग जातियों को आरक्षण अलग अलग आधार पर मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप दो तरीके के आरक्षण भारत में दिए जाते हैं, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। इसको मैं थोड़ा सा एक बार हटा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग अलग होती है। इसको समझते हैं कैसे है? समझिए कि भारत में जब हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी हम जब चर्चा करते हैं, याद कीजिएगा, ध्यान रखिए, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जब बात करते हैं तो इनको दो सूचियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला जिसको हम केंद्र के स्तर पर देखते हैं, ठीक है, दूसरा जिसको हम राज्य के स्तर पर देखते हैं। एक सूची केंद्र के द्वारा जारी की जाती है कि हम पूरे भारत के स्तर पर किन किन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करेंगे। उसके अलावा हर राज्य में उनकी खुद की अपनी अपनी सूचियां होती हैं कि भाई हमारे राज्य के अंदर अनुसूचित जाति में कौन होगा,
अनुसूचित जनजाति में कौन होगा और पिछड़े वर्गों में कौन होगा, वहां पर पिछड़े वर्ग कहा जाता है। इसलिए आपको यह देखने को मिलेगा कि कई सारी जातियां जो राज्य के स्तर पर हो सकता है पिछड़े वर्ग में हो, लेकिन केंद्र के स्तर पर हो सकता है कि पिछड़े वर्गों में ना हो, हो सकता है कि राज्य के स्तर पर अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आती हो लेकिन केंद्र के स्तर पर ना आती हो, ठीक है। इस तरीके का प्रोविजन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं तो शायद जाट आरक्षण या मराठा आरक्षण को लेकर के कि वो राज्य के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे जाटों को राज्य के स्तर पर आपको पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण मिलता है, लेकिन केंद्र के स्तर पर देखोगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए अभी भी वो फाइट कर रहे हैं, वहां पर वो नहीं दिया जाता है। तो ये बदलाव, ये अंतर इसीलिए है क्योंकि संविधान ने दोनों चीजों के लिए प्रावधान किया कि भाई केंद्र सरकार भी केंद्र के स्तर पर भी आप एससी एसटी और ओबीसी का प्रावधान करेंगे और हर राज्य अपने राज्य के लिए भी करेगा। इसका रीजन क्या रहा समझिए। आपको लगेगा कि यार राज्यों में अलग अलग प्रावधान क्यों किया गया, इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि इसकी जगह पर केंद्र की सूची को ही हम मान्यता दे देते हैं ताकि सभी को मिल जाए प्रावधान, तो उसको भी समझिए। सभी जातियां सभी राज्यों में नहीं होती हैं। कुछ राज्यों में हो सकता है कि एक जाति हो, वो उस जाति का अस्तित्व किसी दूसरे राज्यों में हो ही ना, उस समुदाय के लोग दूसरे राज्यों में हो ही ना, उनकी जनसंख्या बहुत कम हो, लिमिटेड सी हो, ठीक है। अब ऐसे में मान लीजिए कि वही जाति है तो, और उस जाति को अगर केंद्र के स्तर पर आरक्षण दे दिया गया तो उसका मतलब तो ये हुआ कि जो बहुत बड़ी संख्या में जो दूसरी जाति है उनको अधिकार या उनके जो राइट्स उनको जो मिलने थे उनकी जगह आप केवल कुछ लोगों को दे दिए, है ना। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि एक राज्य में एक जो जाति है वो हो सकता है कि उस राज्य में पिछड़ी हुई हो, लेकिन दूसरे राज्य में जाकर के देखो कि तो बहुत बाहुबली टाइप की हो, बहुत ही पावरफुल टाइप की हो। आपको देखने को मिलेगा जातियों में ये फर्क मिलता है। भारत में लोग, ये वास्तविकता एक बहुत ही गहरी सच्चाई वाली बात है, लोग अपनी ही जाति में भी इस तरीके से विभेद करते हैं कि हम तो उत्तराखंड के ब्राह्मण हैं, हम राजस्थान के ब्राह्मण हैं, है ना। जैसे कोई बोले कि मैं राजस्थान का जोशी हूं, एक बोलेंगे कि मैं उत्तराखंड का जोशी हूं, वो ये कहेगा कि हमारे जोशी ज्यादा उच्च होते हैं, हमारे तुम्हारे जोशी कम होते हैं। कोई कहेगा कि हम हरियाणा के यादव हैं, कोई कहेगा कि हम बिहार के यादव हैं, है ना। जो बिहार का यादव बोलेगा तो मैं बाहुबली हूं, है ना, मैं तगड़ा हूं। उत्तर प्रदेश का बोलेगा मैं तगड़ा हूं। हरियाणा का बोलेगा बेचारा चुपचाप सा गरीब सा शांत सा सील स्वभाव वाला व्यक्ति होता है हमारी तरह, है ना। ये प्रावधान इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो जातियों के अंतर भी विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। उस विभिन्नता को अगर आप देखोगे तो किसी राज्य में एक जाति बहुत डोमिनेंट हो सकती है, किसी राज्य में वही जाति कमजोर हो सकती है। अगर केंद्र के स्तर पर यह रिजर्वेशन दे दिया जाता, ठीक है, तो जिस राज्य में उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है उनको भी आरक्षण मिल जाता। तो एक तो इससे इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दूसरे ऐसे वर्ग जो कि कमजोर पिछड़े हुए हैं उस राज्य में उनके साथ अन्याय हो गया। इसलिए ये दो तरीके के प्रावधान किए गए, ठीक है, ये दो तरीके के प्रावधान रखे गए, एक केंद्र की सूची और एक राज्यों की सूची। राज्यों को यह अनुमति दी गई कि भाई आप अपने राज्य में देखिए कि कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके उत्थान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो हर राज्य में अपनी अपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियां होती हैं जो दूसरे राज्यों से अलग मिलेंगी। और ये भी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कई राज्य ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको अनुसूचित जनजातियों की सूची नहीं मिलेगी। जैसे हरियाणा जैसा राज्य है वहां पर आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उसकी सूचियां मिलेंगी लेकिन अनुसूचित जनजाति की नहीं मिलेंगी क्योंकि है ही नहीं। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे तो वहां पर आपको अनुसूचित जनजातियां मिलेंगी, आपको वहां पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वो नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये भी एक अंतर है, अलगाव है जनसंख्या के हिसाब पर, ये सारे अलगाव आपको वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज, एक विभेद आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अलग अलग सूचियों का प्रावधान किया गया इन विशिष्ट वर्गों के लिए ताकि इनको विशेष प्रावधान किए जा सके, ठीक है। ज्यादा गहराई में ज्यादा चीजों के लिए हम एक आरक्षण के ऊपर अलग से क्लास लेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को देखते हुए चलना है। उम्मीद करता हूं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बनी होगी तो एक जरा थम्सअप दीजिए, ठीक है।
उसके तहत, उससे मेरे को आइडिया लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, या वही चीजें चल रही हैं धाक के तीन पात। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ लेते हैं कि राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा कर अधिसूचना जारी करते हैं। अल्टीमेटली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इससे संबंधित कोई जाति है या नहीं, इसकी अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। राज्य के स्तर पर वो है राज्य के राज्यपाल से एक बार सलाह मशविरा कर लेता है, उसके आधार पर राज्यों की अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग की घोषणा करता है, और केंद्र के स्तर पर उसके पास खुद का अधिकार है। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात जो है वो ये है कि इन सब मामलों में राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन नहीं चलता है, मतलब वो अपनी मर्जी से ये चीजें नहीं करता है। यहां पर राष्ट्रपति बंधा होता है आर्टिकल 74 से अनुच्छेद 74 के साथ, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसका रोल आ जाता है, उसकी सलाह मशविरा से ये काम करता है। अब आपको लगेगा कि राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी तो उसका मतलब ये फाइनल हो गया कि अब तो दर्जा मिल ही गया। आपने अभी हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे आरक्षण के लिए आंदोलन होते हुए देखे होंगे, जिन आंदोलनों में अपनी अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग की गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास होती कि अधिसूचना जारी की और आपको आरक्षण मिल गया, एससी एसटी ओबीसी जिसमें भी बोलते हैं, अगर ये पावर राष्ट्रपति के पास होती तो सरकारें तो तुरंत किसी को भी आरक्षण दे देती। जैसे जाट आरक्षण, मराठा आरक्षण, इनके लिए जितना संघर्ष हुआ, तो सरकार के अगर केवल सरकार के हाथ में होता तो वो तो वोट बैंक बनाने के नाम पर कुछ भी दे देती। राष्ट्रपति से अधिसूचना जारी करवाने में कितनी देर लगती है भाई? अगर सरकार राष्ट्रपति को कोई सलाह दे कुछ काम करने की, तो राष्ट्रपति को तो करनी ही है, वो कितना देर लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा लंबी क्यों चल गई? आरक्षण के लिए इतना लंबा आंदोलन बार बार क्यों हो जाता है? अगर ये अधिसूचना जारी करता राष्ट्रपति ही है तो फिर फाइनल, तो ये मामला तुरंत क्यों नहीं सोल्व हो सकता? तो इसके पीछे जो है हमारा लोकतंत्र का सिद्धांत काम करता है। लोकतंत्र का सिद्धांत मतलब, हमारे लोकतंत्र का मतलब है कि सभी लोगों की सहमति से या सभी या बहुसंख्यक लोगों से पूछ करके कोई फैसला किया जाए। हमारे संविधान निर्माता इस मामले को लेकर के बड़े सतर्क थे। उनको पता था कि अगर केवल राष्ट्रपति के नाम पर अधिसूचना के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाने का प्रावधान रख दोगे तो कोई भी केंद्र की सरकार आएगी या वो हमेशा अपने वोट बैंक को आरक्षण देने की कोशिश करेगी। जिस भी जाति में उसका विशिष्ट वोट बैंक होगा वो उनको आरक्षण दिलवा देगा। ठीक है, अब ऐसे में उन्होंने कोशिश की कि अन्यायपूर्ण तरीके से या गलत तरीके से किसी को विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ना लाया जाए, इसके लिए संसद को अधिकार दे दिया। ध्यान रखिए, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर दे दी, और पार्लियामेंट में सभी लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष, सरकार सत्ताधारी पार्टी और उसकी विरोधी पार्टी, और अलग अलग समूहों के संबंधित दलों के प्रतिनिधि वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति जो है केवल अधिसूचना जारी करेगा, उस अधिसूचना के आधार पर जो फाइनल डिसीजन लेगा वो संसद लेगा। अब यहां पर संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों है, केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा से काम नहीं होगा। उस अधिसूचना के ऊपर संसद में वोटिंग के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा कि भाई जो राष्ट्रपति ने किसी अनुसूचित जाति, किसी खास विशेष वर्ग जाति को मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति में जोड़ा है, वो जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं, क्या वो सच में ही उस योग्य है कि नहीं, क्या किसी जाति को उनके आरक्षण को समाप्त करके वहां से हटाने की आवश्यकता है कि नहीं, ये सारा का सारा अंतिम डिसीजन जो है, अंतिम पावर है वो संसद के पास है। ठीक है, तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती यहां पर देखने को मिलती है। इसलिए सरकारें जो हैं वोट बैंक की राजनीति आरक्षण के मामले में नहीं कर पाती, नहीं तो सरकार के हाथ में अगर सौंप दो तो वो तो लूट खाएगी भाई। कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार की बात कर रहे हो, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, हम हर सरकार की बात करते हैं। किसी भी सरकार को इस तरीके का अधिकार दे दो तो चला जाएगा आपको। अगर आप सरकार को अधिकार दे दो कि उसके पास अभी पावर है सारी चीज कब सब कुछ करने की, तो आपके अधिकारों को खा जाएगी। सबसे पहला जो काम होगा वो आपके मौलिक अधिकारों को खा जाना होगा,
उनको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। सरकार अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी, ये प्रवृत्ति रहती है, सत्ता की प्रवृत्ति है। आप एक ये बताओ, इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ ये बोलो कि जितने भी, मान लेते हैं आपको हम एक शासक बना देते हैं, एक राज्य है, ठीक है, ये एक राज्य है, इस राज्य का आपको हमने शासक बना दिया। अब आप कैसा शासक बनना पसंद करेंगे? एक ए प्रकार का शासक है और एक बी प्रकार का शासक है। ए प्रकार के शासक के पास सर्व सत्ता है, सर्व सत्ता मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसको जिस तरीके से बोले वो काम हो सकता है ना। जो लड़का पसंद आए उसको पकड़ करके विवाह कर लिया, जो लड़की पसंद आई उसके साथ पकड़ करके विवाह कर लिया, कोई रोक टोक नहीं, या जो मर्जी आपको राइट मिला, खाने का मन किया, पहनने का मन किया, काम करने का मन किया, वो कर लिया। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है, दूसरा एक ऐसे शासक है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, रोक टोक लगी हुई है, जिसमें ये कहा जाए कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, है ना, तुम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल परिवार से ले लें, परिवार में आप हमेशा कोशिश करते हैं, आपका ये मैं मान करके चल रहा हूं, मेरे मैक्सिमम दोस्तों का उत्तर यही रहेगा, सभी लोग यही करने वाले हैं, वो मैं समझ गया हूं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति यही है, सरकारों की प्रवृत्ति भी यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पावर चाहता है ना, कुछ भी करने का अधिकार, जो मन में आए करने का अधिकार। लेकिन जब ऐसा अधिकार रहेगा तो बाकी लोगों का अधिकार तो छिन जाएंगे, है ना, बाकी लोगों के साथ तो अन्याय हो जाएगा। मान लीजिए तुम्हें अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुमने जबरदस्ती किसी को पकड़ करके किसी के साथ विवाह कर लिया, अब वो सामने वाले को तुम पसंद ही नहीं, है ना, तो उसके अधिकारों का तो हनन हो गया, वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे दिल ही दिल में। सेम ये प्रवृत्ति सरकारों में देखने को मिलती है, अनलिमिटेड राइट अगर आप सरकारों को दे दोगे तो आपके अधिकारों को खा जाएंगे, आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। परिवार में भी इसी तरीके की संरचना देखने को मिलती है, परिवार में एक आम तौर पर प्रवृत्ति रहती है कि परिवार में आपके परिवार जो है बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है कि भैया अब ये काम मत करो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा समय हो गया इधर उधर घूमते हुए, ऐसे रात में ज्यादा देर तक घूमो मत, फोन पे ज्यादा देर मत लगे रहो, सोना बाबू मेरे बेबी ने खाना खाया थोड़ा कम कर लो या अभी मत करो। तो आम तौर पर ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि घर वाले जब रोक टोक करते ना तो हमें पसंद नहीं आता है, क्या यार मम्मी यार सारे दिन चे करते हो, क्या यार पापा यार आप हर चीज में मना करते रहते हो, यार मेरे को नहीं रहना आप लोगों के साथ, मैं जा रही हूं, है ना, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, भाग रहे हम घर से छोड़ करके, हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं सब कुछ जो हम चाहें, ऐसी प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रवृत्ति सरकारों में भी होती है, ऐसे में अगर ऐसी प्रवृत्ति में आपको अधिकार दे दिया जाए कि कुछ भी कर लो, ये आरक्षण का अधिकार भी इन्हीं को दे दिया जाए कि भाई सरकार को दे दिया जाए कि तुम्हारे पास ये राइट है, तबाही मचा करके रख देते हैं ना, अपने अपने वोट बैंक, जो किसी विशिष्ट पार्टी के वोट बैंक है उनको तो दे देते आरक्षण, और जो उनका वोट बैंक नहीं है उनको आरक्षण की सीमा से हटा देते। इसलिए ये प्रावधान जो है संसद के राष्ट्रपति को अंतिम रूप से ना देते हुए संसद को दे दिया जाए, ताकि लोकतांत्रिक आधार पर निर्णय लिया जा सके कि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति में या अन्य पिछड़ा वर्ग में जुड़ेगा या हटेगा, ये संसद निर्णय लेगी। ठीक है, इस चीज को देखते हुए चलते हैं, चलिए अगले पर चलते हैं। यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी करके नहीं किया जा सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं और इन सूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया है। तो हमेशा जब भी समय समय पर राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना जारी करते हैं तो संसद ही है जो उसमें बदलाव करता है, संशोधन करता है, और समय समय पर इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी जातियों को बाद में आरक्षण मिलता हुआ चला गया। ठीक है, उसी प्रकार संविधान ने नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भी कहा जाता है, को निर्दिष्ट नहीं किया है। ये सेम चीज है जो मैंने आपको बताया कि संविधान के अंदर केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके लिए विशेष प्रावधान का वर्णन था, और आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियंस जिनको कहा जाता था उनके लिए विशेष प्रावधान था, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो बाद में आया 1990 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, फिर संसद
के माध्यम से इसको लाया गया। ठीक है, क्या हुआ इसको समझ लेते हैं, इसको भी देखते हुए चलते हैं। आरक्षण के ऊपर आपके लिए एक बार बिल्कुल क्लास लेंगे, आप घबराओ मत, ठीक है, बहुत डिटेल्ड क्लास लेंगे आपको, और उसमें आपके लिए आरक्षण का सारा मामला समाप्त करवा दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, बहुत डिटेल से क्लास होने वाली है, जल्दी ही हो जाएगी, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे। अभी एक दो चीजें समझना है आपको कि क्या क्या चीजें समझना है, उनको ध्यान से देखिएगा। जब भी हम ओबीसी की बात करते हैं, जब संविधान ने आरक्षण दिया तो उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दिया। जैसे जैसे हमने विकास करना प्रारंभ किया, देश आगे बढ़ने शुरू हुआ, 1950 का दशक, 1960 का दशक आना प्रारंभ हुआ, तो उस समय यह महसूस किया गया कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग जो समुदाय हैं वही शोषित नहीं रहे हैं, इनके अलावा और भी सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जो आज भी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनके साथ भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। और 1970 के दशक में कुछ इन वर्गों से संबंधित कुछ नेता उभर करके सामने आने लगे। आपको याद होगा 1975 का जब आपातकाल लागू हुआ तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भारत में चला। 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, तो उस समय कई सारे सशक्त नेताओं का भी उभार हुआ और उन्होंने डिमांड रखनी शुरू की कि भाई कुछ ऐसी जातियां जो ना तो सक्षम है और ना ही इतनी सक्षम है कि उनको आप उच्च वर्ग बोलो, और ना ही इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखो, वो बीच में फंस गई हैं, उनका विकास भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, भेदभाव उनके साथ भी है, तो उनका उत्थान करने के लिए भी सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। इसीलिए मोरारजी देसाई वाली सरकार ने मंडल आयोग, ठीक है, बीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे, उसकी स्थापना की। 1990 के दशक में आते आते इस आरक्षण को फिर भारत के संसद के द्वारा लागू किया गया। 27% आरक्षण जो है अन्य पिछड़ा वर्गों को दिया गया। उस समय काफी सारा विवाद हुआ, काफी सारा इसको लेकर के डिस्कशन हुआ पूरे देश में। आप देखोगे कि आरक्षण के पक्ष में और आरक्षण के विरोध में दो तरीके के ग्रुप बन गए, जो आरक्षण को खत्म करना चाहते थे और दूसरे जो आरक्षण लेना चाहते थे। तो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन निर्णय दिया। देखो, ध्यान रखिए कि हमारी जो संसदीय प्रणाली की जो त्रुटियां हैं होती हैं, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसकी खूबसूरती ये है कि यहां पर सरकार के जो अलग अलग अंग हैं वो एक दूसरे की कमियों को दूर करते हुए कार्य करते हैं। जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27% सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, तो उस समय जो विभेद उत्पन्न हुआ भारत के समाज में उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत लेजिटिमेट फैसला है। उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण दिया बिल्कुल ठीक है, संविधान के प्रावधानों के तहत है, उसमें बोला गया है कि ऐसा आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, ये जातियां पिछड़ी हुई भी हैं वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो सक्षम है, जिनके पास ऑलरेडी जो बाहुबली टाइप के पैसे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है ना, गाड़ी है, बंगला है, मां भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सभी कुछ है, तो ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिलेगा तो फायदा नहीं है, इसका मतलब तो फिर दूसरे कमजोर लोगों के अधिकार का हनन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। क्रीमी लेयर का नाम आप सुनते होंगे, जानते होंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। क्रीमी लेयर का मतलब कि एक ऐसा वर्ग जो जातियां जिनको आप आरक्षण देना चाहते हो, उन जातियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्षम है, जो शिक्षित हैं, पैसा बहुत है, भगवान की दया से सब कुछ है उनके पास। फिल्मी डायलॉग आते हैं वेलकम फिल्म में, जो उदय सेट्टी होते हैं, नाना पाटेकर, भगवान की दया से सब कुछ है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, कमी है तो एक बहू की कमी है ना, तो उनके पास बहू भी है, मान लेते हैं सब कुछ है उनके पास, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके लिए उन्होंने क्रीमी लेयर सेट कर दी, एक आय का न्यूनतम निर्धारण कर दिया गया, ठीक है, एक आय को आधार बना दिया गया कि एक न्यूनतम आय, कि मान लीजिए 4-5 लाख, 6 लाख
ये समय के साथ साथ बढ़ती रहती है ये लिमिट। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 3 लाख जिसकी वार्षिक आय है वो इस आरक्षण का हिस्सेदार या लाभ नहीं ले पाएगा, उनको इस आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। वो होंगे ओबीसी में ही लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। क्रीमी लेयर का मतलब, क्रीम का मतलब होता है मलाई, है ना, मोटी मलाई, यानी कि मलाईदार चीज है, तो समझ जाओ सेठ टाइप के लोग होंगे। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रावधान कर दिया तो उसके बाद से भारत के अंदर जो विरोध हो रहा था और जो पूरे भारत के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा होने लग गई थी आरक्षण को लेकर के, वो समाप्त हो गई। और ये सही डिसीजन समझ में आया, सबको लगा कि हाँ ये डिसीजन जो वो बिल्कुल सही है कि उनको दो जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। अब यही चीज की डिमांड जो है वर्तमान समय में, जो क्रीमी लेयर की डिमांड है, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के भी की जाती है कि पूरे भारत में आरक्षण जो है वो सबको दे दिया जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर जो है हर वर्ग में डाल दिया जाए ताकि जिनको आरक्षण का लाभ एक बार मिल चुका है, जो एक बार आरक्षण का लाभ लेकर के आईएएस बन गए, ठीक है, आईपीएस बन गए, या अच्छे शिक्षक बन गए, एक अच्छी नौकरी मिल गई, ठीक है, अच्छा सामाजिक स्थिति उन्होंने हासिल कर ली, तो उसके बाद उनके परिवार को या उनके बच्चों को या उनको बार बार उसी आरक्षण का लाभ ना मिले, फिर वो डायरेक्ट कंपीट करे, प्रतिद्वंदिता में आए, कॉम्पिटिशन में आए, और जो कमजोर वर्ग जो बचे हुए लोग रह गए उनको आरक्षण दिया जाए। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अनुसूचित जाति और जनजाति में लाने के लिए भी चर्चा विचर्चा आज के समय में की जाती है। इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम कभी आरक्षण के ऊपर एक विस्तार में, एक डिटेल में क्लास लेंगे, एक लंबी मैराथन क्लास लेंगे, उसमें सभी पहलुओं को आपको उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो क्रीमी लेयर आ गया तो उसके बाद फिर मामला थोड़ा सा ठीक हो गया। अब उसके बाद जो आरक्षण था उस आरक्षण को संसद के द्वारा कंटिन्यू कराया गया, लेकिन 2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया जाता है और इसके माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, यानी कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। और दूसरी चीज जो है वो ये की जाती है कि इस अधिनियम ने किसी राज्य का संघीय क्षेत्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचानने एवं विनिर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया है। बेसिकली अब वर्तमान समय में देखोगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी का पहचान करना, जांच करना, इनको विनिर्दिष्ट करना, अधिसूचना जारी करने के राइट जो है वो केवल राष्ट्रपति को दे दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। जहां तक राज्य का मामला है, राष्ट्रपति इस बारे में राज्यपाल से सलाह लेने के पश्चात ही अधिसूचना जारी करते हैं। जो राज्य, अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर किसी को, किसी जाति को शामिल करना है, तो उस राज्य से संबंधित अधिसूचना भी जारी तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन वो वहां के राज्य के राज्यपाल से पूछ लेंगे, सलाह मशविरा कर लेंगे। और राज्यपाल कौन होता है, क्या ये बताओ कि राज्यपाल मना करेगा? राज्यपाल राष्ट्रपति की किसी भी बात को इग्नोर कर सकता है या उसके खिलाफ जाकर के कर सकता है? तो उसको देखोगे कि नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे और सरकार का ही आदमी होता है, केंद्र सरकार का ही व्यक्ति होता है, सरकार का एजेंट होता है एक तरीके से, तो इनके बीच में मतभेद इस मामले को लेकर के नहीं होते, वो एक तरीके से निपटा लिया जाता है, मामला ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना में शामिल सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी को शामिल करना या हटाना केवल संसद द्वारा ही दिया जा सकता है, ठीक है। अंतिम डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है, लास्ट जो काम करेगा वो संसद ही करेगा, अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा लेकिन संसद ही उसका डिसीजन लेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह ही संविधान ने आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भी परिभाषित किया है। यहां पर कुछ अपडेट कर लेना है अब आपको, इस पुस्तक में थोड़ा सा जो है वो पुराना रह गया है तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं और उस अपडेट को देखते हुए समझना है। अभी वर्तमान में क्या आंग्ल भारतीयों को आरक्षण है, क्या उनके लिए विशेष प्रावधान है, चाहे फिर वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे उनको नौकरी को लेकर के हो, चाहे राजनीति में आरक्षण को लेकर के हो, हाँ या ना, मेरे प्यारे मित्र जो आप लोग हैं वो ही आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग, मैं चाहता हूं आप सब लोगों का आंसर आए यहां पर।
नहीं है, है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। आरक्षण उनका जो है वो हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन आप सभी को याद है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अब संविधान ने आंग्ल भारतीयों को परिभाषित तो किया है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या परिस्थिति है, मूल परिस्थिति क्या थी, उनको हम समझ लेते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब अपने हाथ में किताब ले लेना है, उसमें कुछ चीजों को करेक्ट करते हुए चल जाना है। ये बिल्कुल ठीक है कि संविधान ने ओबीसी एससी एसटी और एंग्लो इंडियंस इनको परिभाषित किया है कि भैया कौन है, ठीक है। अब इसके अनुसार आंग्ल भारतीय व्यक्ति कौन होते हैं, का मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसके पिता या उसका कोई भी पुरुष पूर्वज वो यूरोपियन वंश के थे लेकिन वे भारत में आकर बस गए और इस तरह स्थायी रूप से न कि अस्थायी तौर पर बसे लोगों ने जिन्हें जन्म दिया। इसका मतलब समझिए कि भारत और यूरोपियन लोगों का मिश्रण जिसके खून में है, जो मिस्र प्रकार के समुदाय से आते हैं उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। भारत में यूरोपियन थे, अंग्रेज आए, ठीक है, और भी बहुत सारे यूरोपियन देश के लोग भारत में पहुंचे। तो जब वो भारत में आए, लंबे समय तक रहे, इतने लंबे समय तक, इतना कई सदियों तक भारत में रहे, जब इतने लंबे समय तक आप भारत में रहोगे तो भाई अकेले थोड़ी रहोगे, कहीं पर तो दिल लगेगा, कहीं पर तो कोई पसंद आएगा, कहीं तो कुछ आवश्यकता महसूस होगी। तो ऐसे में यूरोपियन लोगों ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह संबंध बनाने प्रारंभ किए, ठीक है, और काफी सारे ऐसे विवाह हुए जिसमें यूरोपियन पुरुष और भारत की महिला उनके बीच विवाह हुए, और फिर इनका जो बच्चा पैदा होता वो इंडियन और यूरोपियन उन दोनों का मिक्स जो है, एक मिश्रित प्रजाति का जो है वो बच्चा पैदा होता, तो उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। हालांकि ऐसी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम ही थी, क्योंकि यूरोपियन लोग जो है वो भारतीयों को निम्न स्तर के लोग समझते थे, वो उनको समझते थे कि ब्लडी ब्लैक इंडियन, है ना। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी उसमें बोलते ना, यू एडियट, यू ब्लडी ब्लैक इंडियन, तुम हमारी बराबरी करेगा, हम यूरोपियन हैं, हम तुमसे बहुत बड़ा हाई, है ना, वो हमें छोटा समझते थे। तो ऐसे में भारत की महिलाओं को भी स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात थी। वो एक उसको लिबरल विचारधारा बोलते थे कि कोई यूरोपियन व्यक्ति ने सच्चे में प्यार से एक इज्जत के साथ किसी भारतीय महिला के साथ विवाह किया, उसको अपनाया, ठीक है, उसको बराबरी का दर्जा दिया, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक उदारवादी विचारधारा की तरफ एक उसको दिखाता था। लेकिन आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, आमतौर पर वो शोषण अधिक करते थे, उनके द्वारा सामाजिक स्तर पर बराबर का दर्जा दिया जाना, बराबर का स्टेटस दिया जाना नहीं होता था, वो एक्सप्लोइटेशन अधिक करते थे ना महिलाओं के साथ। आप देखोगे तो बहुत सारे अत्याचार उन लोगों ने किए थे। तो ऐसे लोग जो जिन ऐसे बच्चे जिनकी माता भारतीय हो या उनका पिता या उनके पूर्वज में कोई भी पुरुष सदस्य यूरोपियन रहा हो उसको हम एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इनकी संख्या जो है कम ही ज्यादा नहीं थी, वर्तमान में तो बहुत ही कम हो गई है। अब इसको देख लेते हैं कि विशेष प्रावधान के अंग क्या क्या है, कैसे कैसे प्रावधान उनके लिए किए गए, उसको एक एक करके देखते हुए चलते हैं। विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, ठीक है, तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा, यह प्रावधान किया गया, ठीक है। और इसके तहत आप देखते हो कि भारत के अंदर लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए ही सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, और उन सीटों पर अगर किसी किसी निर्वाचक क्षेत्र को अनुसूचित जाति का निर्वाचक क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो वहां पर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है, बाकी लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो उनको प्रतिनिधित्व विधायिका में देने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया। वो अलग बात है कि जो जनरल की सीट है, जो सामान्य श्रेणी की सीटें होती हैं, उसके ऊपर आप चाहे फिर अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, कहीं से भी हो, सामान्य श्रेणी से हो, आप उस पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जो आरक्षित श्रेणी की जो सीट है उस पर केवल आरक्षित वर्गों का ही अधिकार होता है, वही उस पर लड़ सकते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या था उसको समझिए। उस समय ये महसूस किया गया कि जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जितने भी ये पिछड़े हुए वर्ग हैं, जितने भी जिनके साथ शोषण हुआ है,
इनका उत्थान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके पास भी पावर हो। आप इनके लिए कितने भी अधिकार दे दो संविधान में, लेकिन अगर ये लोग पावर में नहीं पहुंच पाए, अगर इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं रहा और सरकार में केवल कुछ विशिष्ट वर्गों का ही प्रतिनिधित्व रहा, तो वो हमेशा इन वर्गों को दबा करके रखेगी, इनके अधिकारों को हनन करेगी, इनको समय समय पर जो विशेष प्रावधान करने हैं वो नहीं करेगी। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपना विकास जो है उसको बेहतर तरीके से कर पाए, सुनिश्चित कर पाए, वो तब होगा जब सत्ता में भागीदारी होगी, सत्ता में भागीदारी दे दी जाए। इसीलिए लोकसभा के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया कि केंद्र के स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों को ही लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा, और राज्यों के स्तर पर विधानसभाओं में। अब ये चीज जानकर के आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में ही आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया, जबकि केंद्र के स्तर पर तो संसद में एक और भी अंग होता है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और राज्य के स्तर पर कई राज्यों में एक दूसरा अंग भी होता है जिसको हम विधान परिषद भी बोलते हैं, वहां पर आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? तो उसके पीछे का तर्क समझिए। सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व कहां होता है, सरकार कहां बनाई जाती है, पावर किसके पास होती है, कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा सदन है जहां पर जो सरकार के निर्माण और सरकार के गिराने उसमें भागीदारी निभाता है, तो वो अगर आप देखोगे तो वो लोकसभा है केंद्र के स्तर पर। आपके चुने हुए सांसद कहां जाते हैं दोस्त? आपके चुने हुए सांसद लोकसभा में जाएंगे, आपके चुने हुए विधायक जो एमएलए हैं वो कहां जाते हैं? वो राज्य की विधायिका के अंदर जो विधानसभा है उसमें जाएंगे, और वहीं पर जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा वो सरकार बना लेगा। तो बेसिकली सरकार बनाना, सरकार गिराना, ये सारा काम जो है निचले सदन में होता है, जो लोकप्रिय सदन कहलाते हैं, और सत्ता की जो मुख्य पावर है वो भी सरकार के पास है। तो आपको प्रतिनिधित्व इसी क्षेत्र में देने की आवश्यकता थी, इसीलिए लोकसभा में और राज्यों के स्तर पर विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया कि भैया इनको आरक्षण मिलेगा। अभी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत में लोकसभा के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ये चीज मैं करवा चुका हूं, 3-4 बार करवा चुका हूं अपनी पुरानी क्लासेस में, इन सीटों का जो है वो मैं बता चुका हूं, संसद का जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था, आज नहीं बताऊंगा, आज ये आपका होमवर्क है। आप सभी लोग जब वीडियो खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में चर्चा करते हुए आंसर देते हुए बताएंगे कि कितना हुआ, ठीक है? चलिए, और अभी अगर आपको पता है तो आप भी अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं जान सकूं कि सीरियस कौन था क्लास के अंदर जो सच में जानता है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 बार ये चीजें करवा चुका हूं। चलिए, अब यहां से एक चीज समझने की बात है, एक और पॉइंट आपको समझना है, अगर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल आ जाए कभी भी, पीटी को लेकर के कई बार सवाल यहां से भी बन जाता है। ये तो आपने देख लिया कि लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, अपनी विधायिका के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर सभी को 1/3 आरक्षण दिया गया है, तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट होगा? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट होगा? क्या यह कथन सही होगा? क्या यह स्टेटमेंट सही होगी? हाँ या ना? क्या एक समान आरक्षण दिया गया है? तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि हर राज्य ने अपने अपने राज्य के अंदर जो उनकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया है। आपको कई सारे राज्य ऐसे मिलेंगे जिसमें अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण ही नहीं है विधायिका में, और एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहां पर आपको मिलेगा कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है, इसको देखना है। अनुसूचित जातियों के लिए सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं संसद के स्तर पर रिजर्व हैं, तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये 2-3 चीजें भी लिख लियो कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए
सब लोकसभा के अंदर, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सबसे अधिक सीटें कौन से राज्य में, जल्दी से कमेंट में बताइए। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, उसको सवाल इस तरीके से आंसर आएगा। तो जिस जिसने भी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश लिखा, यूपी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कहां है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व लोकसभा के स्तर पर कौन सी जगह पर देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अनुसूचित जाति के मामले में तो सब लोग यूनेनिमस है, उन सबको पता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के मामले में सबकी राय बटी हुई है। किसी ने बिहार कहा, किसी ने मध्य प्रदेश कहा, किसी ने पंजाब भी कहा, फिर डिलीट कर दिया, है ना, और कुछ लोग छत्तीसगढ़ ये भी बोलेंगे, तो इस कोई महाराष्ट्र भी बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में है, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिनके ऊपर आपको हमेशा काम करना है, जिनको हमेशा याद रखना है, इनको याद रखते हुए इनके ऊपर वर्क करते हुए चलना है, क्योंकि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जो है हमेशा आएंगे। अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित रखते हैं। ये तो हो गया मुद्दा प्री और मेंस के लेकर के। अब एक मुद्दा है जो करेक्शन का मुद्दा है। यहां पर लिखा हुआ है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, संविधान में क्लियर प्रोविजन था कि 2 सदस्यों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं, इनका नॉमिनेशन किया जा सकता है लोकसभा के अंदर। राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं, जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास संसद के अंदर नामांकन की शक्ति होती है। तो ये 2 सदन हैं, उन दोनों सदनों में नामांकित करते थे लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में भी सदस्यों को नामांकन की शक्ति थी इनके पास, और राज्यसभा में इनके पास नामांकन की शक्ति है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को ये नामांकित करते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान एक्सेट्रा एक्सेट्रा से 4 क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। लोकसभा में ये 2 आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियंस हैं, इनकी नियुक्ति कर सकते थे अगर उनको लगता है कि उनके प्रतिनिधित्व कम है। इसमें ये लिखा गया था कि इनको अगर लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व कम है, ये नहीं लिखा गया कि करेंगे ही करेंगे, हमेशा ही करेंगे। ये ध्यान रखिए, उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में मनोनीत कर सकते हैं। इन वर्ड्स जो है, ये जो शब्द हैं, इनको पकड़ करके चलना है आपको, पॉलिटी को समझना है, तो इन वर्ड्स के बीच में ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, इनको थोड़ा सा समझना है कि ये स्थाई प्रोविजन है कि अस्थाई प्रोविजन है। कर सकते हैं इसका मतलब है कि भाई हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है, चीजें की जा सकती हैं। तो ऐसा ही हुआ, ये जो 2 सदस्य जो लोकसभा में नामांकन का प्रावधान था, ये वर्तमान में नहीं है, 104वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इस आरक्षण को बढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं बढ़ाया गया? इसको समाप्त करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया कि हम आंग्ल भारतीय लोगों का आरक्षण समाप्त करते हैं, लेकिन फिर भी वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया, इस चीज को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह राज्य की विधानसभा में इस समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के 1 सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते थे। तो केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर इनके आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, ठीक है, दोनों स्तर पर आरक्षण करने के लिए कहा गया था कि भाई इनको 1 सीट राज्य की विधानसभा में भी दे सकते हैं, 2 सीट लोकसभा में भी दे सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि मूल रूप से ये आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये दोनों प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए किए गए थे, यानी कि 1960 तक के लिए किए गए थे। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए भी जो आरक्षण का प्रावधान था वो परमानेंट, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं किया गया था, ये कुछ सालों के लिए किया गया था, अगले 10 वर्ष के लिए था, संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद तक के लिए किया गया था, और उसके बाद इन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ दिया
कि भाई 10 वर्ष के बाद अगर आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप देना चाहते हैं, अगर उस परिस्थितियों में इस दिए गए समय के दौरान इनकी स्थिति जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है तो आप आरक्षण मत बढ़ाओ। एक बेसिकली एक पावर जो है वो आने वाली सरकारों के हाथ में दे दी गई। अब हुआ क्या कि 1960 तक 10 साल में क्या परिवर्तन हो जाता है भाई, जो इतना वर्षों सदियों से चला हुआ आ रहा भेदभाव था, क्या 10 सालों में बदलाव हो सकता था, क्या 10 सालों के अंदर वो सारी क्षतिपूर्ति हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, उसमें समय लगता है। कोई भी काम करते हैं जिसको पूरा करना है उसमें समय लगता है, जैसे यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इसमें समय लगेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी आपकी कुछ ही समय में 10-15 दिन में 20-25 दिन में ही आप कर लें तो वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वही यहां पर था, तो 10-10 साल के लिए समय के साथ साथ इसकी अवधि लगातार हर बार 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही, और जो लेटेस्ट अवधि जो बढ़ाई गई एंग्लो इंडियंस के लिए जो थी वो 2009 में जो 95वां संशोधन अधिनियम था उसके माध्यम से बढ़ाई गई। उसके अनुसार यह दोनों प्रावधान अब 2020 तक लागू रहेंगे, और 95वां संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व के दो प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नवत है। 2020 तक के लिए आरक्षण था, यह ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2020 तक के लिए ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस, इन तीनों के ही आरक्षण का प्रावधान था। जब भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती तो इन तीनों के लिए बढ़ाई जाती थी, 10-10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता था। अब जो 2009 के अंदर जो 95वां संविधान संशोधन हुआ उस समय इनकी आरक्षण की सीमा को 10 साल बढ़ाने के पीछे कुछ तर्क दिए गए। उस समय हालांकि ये मामला उठना शुरू हो गया था, बातचीत होनी शुरू हो गई थी कि यार बार बार क्यों मामला उठा रहे हो, क्यों आरक्षण दे रहे हो, अब तो आरक्षण नहीं देना चाहिए, खास करके आंग्ल भारतीय समुदाय को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक काफी अमीर पार्टी है। एंग्लो इंडियंस जो देखोगे तो काफी मोटा पार्टी, मोटा पैसा वाली पार्टी होती है, वो पैसा काफी है ना, धन दौलत के मामले में बहुत उनके पास है, कम नहीं है उनके पास। तो ऐसे में ये मुद्दा उठा गया, एक तो जनसंख्या भी कम है और जनसंख्या कम होने के साथ साथ पैसा भी बहुत है इनके पास, तो क्यों आरक्षण दे रहे हैं। तो उस समय ये कहा गया कि संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान जिसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण तथा आम भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है वो संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में 25 जनवरी 2010 में ये प्रावधान खारिज हो जाएंगे यदि इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। ये क्लियर प्रोविजन था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनको जो लोकसभा के अंदर और राज्यों की विधानसभा के अंदर जो आरक्षण दिया है और जो नामांकन की सुविधा एंग्लो इंडियंस को दी गई है लोकसभा और राज्य विधानसभा में वो जनवरी 2060 से 2010 से अपने आप खारिज हो जाएंगे अगर इनको आगे नहीं बढ़ाओगे। तो उस समय सरकार उस मूड में थी कि उन्होंने इस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 95वां संविधान संशोधन कर दिया गया, और इन्होंने ये कहा कि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों ने काफी तरक्की की परंतु फिर भी जिन कारणों से संविधान सभा ने सीटों के आरक्षण और सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया था वे कारण अभी भी मौजूद है। बहुत सारी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर के ये बताया गया कि वर्तमान समय में आज भी अनुसूचित जातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, वास्तविकता भी है, सच्चाई भी है, होता भी है, भेदभाव आज के समय में भी है, रूढ़िवादी तरीके से चला हुआ है। हालांकि जो नई जनरेशन आ रही है वो इस मामले में थोड़ा सा ठीक ठाक निकल करके आ रही है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, थोड़ी जागरूक है, तो उस चीजों को थोड़ा अच्छे से लेती है, लेकिन एक रूढ़िवादी एक परंपरागत विचारधारा भी चली आ रही है जो अभी भी उस शोषण को बढ़ावा देती है। तो ये माना गया कि इनका विकास अभी भी उतना नहीं हुआ जितना इनका विकास होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, समय देते हैं, थोड़ा सा आरक्षण कुछ समय के लिए और बढ़ा देते हैं। और वर्तमान समय में देखोगे तो कुछ पार्टियां भी ऐसी आ गई थी जो इन विशिष्ट वर्गों से संबंधित थी और उनका आधार भी, वोट बैंक का आधार भी इसी आरक्षण के आधार पर चलता था। अगर ऐसे में हटा देते तो एक तरीके से अफरा तफरी, एक तांडव वाला माहौल हो जाता भारत के अंदर, तो उनका भी प्रेशर जो है सरकार के ऊपर रहता था क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो वो चलना ही था।
और एक ये जरूरत भी थी, आवश्यकता भी थी कि इस आरक्षण को बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर इसको हटा दोगे तो इनकी सीटें जो हैं, इनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी। आप देखोगे तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन आरक्षित सीटों के अलावा जो जनरल सीटें हैं उनमें आपको देखोगे तो बहुत कम, कोई इक्का दुक्का से ही इन विशिष्ट वर्गों से कोई व्यक्ति जीत करके आता हुआ दिखेगा। वो ये साबित करता है, वो ये दिखाता है कि अगर ये सीटें आरक्षित नहीं करी जाएंगी तो ये जितनी सीटों पर चुन करके आ रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगी, उन पर भी दूसरे समाज के जो प्रभुत्वशाली वर्ग हैं उनका ही अधिकार हो जाएगा, उनका ही कब्जा हो जाएगा। और ऐसे में संविधान का जो मूल सिद्धांत है उनसे हम अलग हट जाएंगे। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है प्रतिनिधित्व, सबको रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, हमारी प्रस्तावना के अंदर जो चीजें हैं उनका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए इस संविधान 95वां संविधान संशोधन किया गया और उसके आधार पर अगले 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्लियर। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, सारी हो जाएगी। अब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अतः यह प्रस्तावित किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण तथा आम भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आम भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान निम्न कारण से किया गया कि आम भारतीय धार्मिक, सामाजिक और साथ ही भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय है। ठीक है, ऐसे में यह प्रावधान जरूरी था, वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत ही छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में छित्राए रहने के कारण आम भारतीय चुनावों के जरिए विधायिकाओं की एक सीट भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। आर्थिक आधार पर नहीं, इनको एक भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर ये अल्पसंख्यक थे, क्योंकि संख्या बहुत कम थी, इसलिए इस आरक्षण को जारी रखा गया ताकि इनको भी प्रतिनिधित्व मिले, इनके ऊपर बहुमत का शासन ना हो जाए। अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो ये आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करें, अगर हम वर्तमान में चलते हैं तो वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जनवरी 2020 के अंदर। ये जो प्रावधान 95 संशोधन के माध्यम से किया गया था वो समाप्त हो रहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस, इनको जो आरक्षण दिया गया था राज्य की विधायिका, राज्य की विधानसभा में और संसद के लोकसभा में, वो समाप्त होने पर था। तो ऐसे में सरकार ने एक संविधान संशोधन एक बार फिर से किया। उस संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को तो जनवरी 2030 तक के लिए, अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस वाला मामला था उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसके बारे में कुछ भी मामला नहीं लिखा गया कि भैया हम उसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बढ़ाया ही नहीं, ना तो खारिज किया ना बढ़ाया, तो बढ़ाया नहीं उसका मतलब अब समाप्त हो गया, क्योंकि 10 साल के बाद बढ़ाने की आवश्यकता थी तभी आप जारी रख सकोगे। तो सरकार ने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया, कोई प्रावधान नहीं किया, तो स्वतः अपने आप 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनका आरक्षण जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, विधायिकाओं के अंदर अब ना तो राज्य के स्तर पर ना ही संसद के स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर देखोगे तो इनका प्रावधान, इनका आरक्षण अब नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर, चलिए आरक्षण के लिए कई सारे तरीके हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ग को आरक्षण दिया जाए। हालांकि भारत में थोड़ा पॉलिटिकल मामला अधिक है, राजनीति थोड़ी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप सबसे एक वादा है आपके लिए, आरक्षण के ऊपर एक क्लास लेकर गया हूं, एक जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं
जैसे नागरिकता का मुद्दा हुआ, किसान वाला मुद्दा हुआ ना, आरक्षण वाला मुद्दा हुआ, और भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबरीमाला, 3 तलाक को लेकर के जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों के ऊपर आपके लिए एक मैराथन सेशन लेकर के आया करूंगा। फ्री हैंड क्लास रहा करेगी, बिना पीपीटी के डायरेक्ट आपको लिख करके चीजें समझाया करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इनका समाधान क्या हो सकता है, जरूरत क्या है, समस्या क्या है, कमियां क्या है, और इसको सुधारा कैसे जा सकता है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। अब अगर आपसे प्रारंभिक परीक्षा में यह सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर अनुसूचित जात के, एक सवाल दे समझिए, मैं ही पूछ लेता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहले कथन, भारत के मूल संविधान ने अन्य पिछड़ा वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था। दूसरी कथन, दूसरा कथन, वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं। तीसरा कथन, भारत के संविधान के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट, वर्तमान समय में आंग्ल भारतीय समुदाय के विधायिकाओं में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब आपको कहेंगे कि गलत कथन चुनिए, और आपको 1, 2, 3, 4 में से अलग अलग विकल्प दे देंगे, ए बी सी डी, उसमें से आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। तो जो गलत कथन की जब हम बात करेंगे, तो उसमें आप लोग क्लास में जीवित रहे होंगे, जिंदा रहे होंगे, तो आप आंसर दे पाएंगे कि कौन से गलत हैं, चार इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है, कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सभी लोग कंफ्यूज आ गए हैं, है ना, सब लोग ए बी सी चार बोल रहे हैं। इसमें समझिए, चौथी स्टेटमेंट सही थी, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मूल संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं था, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस के लिए था। हमारी लोकसभा में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, केवल चौथी स्टेटमेंट जो थी वो सही थी, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्टेटमेंट गलत थी। ठीक, एंग्लो इंडियंस जो है उनको केवल लोकसभा में आरक्षण दिया गया था संविधान के द्वारा, और राज्य की विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सवाल इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, हमने पूछा था कि गलत कौन सा है, तो गलत 1, 2, 3, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऐसे ही घुमा फिरा करके आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। यहां पर तो थोड़ा सा ऑन द स्पॉट सवाल बनाते हैं, तो थोड़ा सा उतनी ज्यादा गहराई में नहीं जा पाते, उतनी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा पाते, लेकिन ऑन द स्पॉट बना करके आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि भी कैसे सवाल आ सकता है। मेंस का सवाल कैसे आएगा वो क्लास के एंड में मैं आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या था कि नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा, केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि वर्ष 2000 के 82वें संशोधन अधिनियम में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन के मानदंड घटाने का प्रावधान है। ठीक है, बेसिकली मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों में भी तो प्रतिनिधित्व नहीं है भाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का, और ऐसे में अगर उनको प्रतिनिधित्व देना है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और ऐसा आरक्षण अगर आप देखते हो तो आपको हर जगह मिलता है। आप यूपीएससी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी में भी आपको ये देखने को मिलता है, मिलता है ना, क्लियर है ना। अभी थोड़ी चलेगी क्लास, थोड़ी सी लंबी चलेगी, क्योंकि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, प्री मेंस दोनों के नजरिए से बहुत जरूरी है, तो ऐसे में इसको देखना भी जरूरी है। तो ये थोड़ा सा चलेगा लंबा क्लास, तो ठीक है।
अब इसमें एक और चीज देखना है कि वर्तमान समय में जो इसमें लिखा गया आम भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान और शिक्षा अनुदान, आजादी से पहले केंद्र की रेलवे, आबकारी, डाक एवं तार सेवा के कुछ पद आम भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इसी तरह आम भारतीयों के शिक्षण संस्थाओं को केंद्र एवं राज्यों से विशेष अनुदान मिला करता था। ये प्रोविजन जो है ये पहले होता था, अब वर्तमान में नहीं है ये प्रोविजन भी, ये बहुत पहले समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस को जो सरकारी अलग अलग प्रकार की नौकरियां हैं, अलग अलग विभाग है, उसमें जो आरक्षण दिया गया उन सभी आरक्षण को और जो उनके अनुदान थे उनको, इनको क्या करते थे, उनको जो सरकार की तरफ से मिलता था उसको इन्होंने कम कर दिया। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंततः 1960 में यह सुविधा समाप्त हो गई। सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान, ये सारी व्यवस्था जो आंग भारतीय के लिए था, एंग्लो इंडियंस के लिए था, ये अब यहां पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्लियर। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछें कि सरकारी नौकरियों में किन किन को आरक्षण मिला हुआ है तो उसका आंसर दीजिए जरा। सरकारी नौकरियों में किन किन वर्गों को आरक्षण है? जी बिल्कुल ठीक है, अभी एसटी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीन, इन चार वर्गों को आरक्षण है सरकारी नौकरी में। ठीक है, चारों को ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका भी प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा। अनुच्छेद 338 मूल संविधान में इस तरीके का प्रावधान आपको आर्टिकल 338 में देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या यह प्रावधान सेम इसी तरीके से है? अगर आपको याद हो तो हमने अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीन प्रकार के आयोगों के ऊपर क्लास ली थी, चर्चा की थी, तो उसमें आपको बताया था कि आरंभ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग होता था 1990 के दशक में अनुच्छेद 338 के तहत। बाद में 2004 में उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद एक अनुसूचित जनजाति आयोग और एक अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया, जो 338 ए, और फिर बाद में 2019 के अंदर जो आप देखते हैं ओबीसी के लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो प्रावधान किया गया 2018 के विधेयक के माध्यम से, तो 338 बी उसके माध्यम से ओबीसी को भी आरक्षण को भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा जो है वो दे दिया गया। तो इन तीनों ही संस्थाओं के लिए ध्यान रखिए यहां पर ये प्रावधान किया गया है कि इनके जो अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं या कानूनों के तहत दिए गए हैं या अलग अलग समय पर राज्यों की सरकारों ने उनको दिए हैं, अगर उनका हनन होता है तो उसके हनन को आप रोकोगे कैसे? उस हनन को रोकने के लिए कोई शक्ति तो होनी चाहिए, कोई पावर तो होनी चाहिए, नहीं तो केवल अधिकार दे देने भर से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, अगर उनको रोकने के लिए, उनका उल्लंघन रोकने के लिए प्रावधान ना किए जाए, इसलिए इन आयोगों की स्थापना की गई ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी मामले में अगर उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है और उनको सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार नहीं मिले, तो उन मामलों में जांच पड़ताल कर सके, उनका पक्ष रख सके, अभियोग चला सके और उनके अधिकारों को वापस दिलाने में, उनका सम्मान वापस दिलाने में भूमिका निभा सके, इसके लिए अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये एक बेहतरीन प्रावधान है
इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और उन आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा अनुच्छेद 338 ए। ठीक है, अब सेम ये चीजें हम पहले बता चुके कि जो राष्ट्रपति को जो वार्षिक रिपोर्ट मिलेगी उसको राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाएगा, उसके ऊपर चर्चा विचर्चा होगी। पहले संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 के 89वें संशोधन के जरिए इस संयुक्त आयोग को दो स्वतंत्र निकायों में बांट दिया गया। ठीक है, और 2004 के अंदर ये नए अलग अलग बन करके उभरे। संविधान संशोधन 2003 में हुआ था लेकिन इनकी अलग अलग जो स्थापना है वो 2004 में जाकर के हुई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में आयोग आम भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। जो अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग था वही एंग्लो इंडियंस के लिए भी काम करना था। ठीक है, इसको देखना है, जो शेड्यूल कास्ट जो कमीशन था उसी को ही एंग्लो इंडियंस के लिए भी काम करने के अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इस उद्देश्य के लिए संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है जो कि इन वर्गों के संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का अनुसंधान करके तत्संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे। ये चीजें भी आपको करवा चुके हैं तो इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है नहीं, आप सबको बता चुके हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया, क्या पृष्ठभूमि रही। बस आपको इतना जान लेना है कि अब वर्तमान में उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 102वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2018 में। ठीक है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों की देखरेख और उनको ठीक करने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों तथा कृत कार्यवाही संबंधी ज्ञापन संसद में प्रस्तुत करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। 1960 में इस तरीके के आयोग का गठन हुआ, यूएन डेवर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, जब आप अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग वाली क्लास देखेंगे उसमें उस टॉपिक में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो यहां पर भी उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। बस ये जान लेना है कि इस तरीके के राज्यों इनके प्रशासन के लिए अनुसूचित क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों के प्रशासन में और उनके अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए आयोग बनाने का प्रावधान किया गया था। 4 दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन किया गया, इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक अधिकार केंद्र के पास है। बेसिकली ये सेम वही चीजें हैं जो हम रिपीट हो चुकी हैं, करवा चुके हैं, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं कि भाई क्या अधिकार है क्या है। बेसिकली आपको इसमें यही समझना है कि अनुसूचित जनजाति जो विशिष्ट वर्ग हैं उन विशिष्ट वर्गों के लिए ये इस तरीके के प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कुछ नया है नहीं, ये बहुत डिटेल में कर चुके हैं, यहां पर भी दोबारा करेंगे तो रिपीट हो जाएंगी, तो रिपीटेटिव चीजें जो हैं उसको नहीं करना है। ठीक है, रिपीटेटिव चीज जो है उसको नहीं करना है, रिपीट हो जाती है तो ऑलरेडी जो चीजें करवा चुकी हैं उसको दोबारा देखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसी चीज को देख लेना है। एक और चीज ध्यान रखना है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति, ये भी हम कर चुके हैं 102वां संविधान संशोधन, इसको भी आप यहां पर अगर केवल रिपीट एक लाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजों को डिटेल में कर चुके हैं, है ना, कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। और आयोग की रिपोर्ट भी सेम जिस तरीके से अनुसूचित जनजातियों के लिए था ऐसे ही इनके लिए भी की गई,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अब तक दो आयोग गठित किए जा चुके हैं। 1993 में पहला किया गया था जिसको काका कालेकर आयोग भी बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता में हुआ था। 1955 में उसने रिपोर्ट दी लेकिन इसकी अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि आयोग की अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक माना गया था। तत्कालीन समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनके ऊपर इतना कार्यवाही जो है वो नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा आयोग जो है बाद में आया, उन दूसरे आयोग को अगर देखें तो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में आया। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उनकी स्थिति की जांच के लिए, उनके विकास के लिए जो समय समय पर सरकार के द्वारा जो दो आयोग बनाए गए, एक काका कालेकर पहला आयोग और बीपी मंडल दूसरा आयोग, इन दोनों को ध्यान में रखना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो दो आयोग की हमने चर्चा की, ढेबर आयोग और भूरी आयोग, उनको आपको ध्यान में रखना है, वहां से भी सवाल पूछ लिया जाएगा कई बार आपसे। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं कि इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, 1990 में 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये सब चर्चा डिटेल में हम कर चुके हैं तो इसको छोड़ देना है, अभी इस पर ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि मेंस में कैसे सवाल आएगा, उस चीज को चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, मेंस के सवालों को देख लेना है कि मेंस में किस तरीके से सवाल यहां पर आने वाले हैं उसको देख लेना है। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सोशल जस्टिस के साथ जुड़ करके मुद्दा आएगा। आपने जीएस का पेपर नंबर 2 देखा है, उसमें आपने देखा होगा पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ साथ आपने एक दो चीज और भी देखी होंगी, उसमें लिखा रहता है कि गवर्नेंस, और गवर्नेंस के साथ एक इशू लिखा रहता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये सोशल जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से जो सवाल आएगा वो सामाजिक न्याय को लेकर के आएगा। सवाल इस तरीके से आएगा कि भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विशिष्ट वर्गों के उत्थान के लिए समय समय पर संविधान एवं सरकार के द्वारा, संविधान के दिए गए प्रावधानों के तहत सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए, इनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल एक तो इस इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आपको ये बता देना है कि क्या क्या प्रावधान थे, एक तो आरक्षण का प्रावधान बता देना है शिक्षा में, नौकरियों में, दूसरा फिर आपको दूसरा आरक्षण का प्रावधान बता देना है कहां पर, संसद के अंदर यानी कि लोकसभा में और विधानसभा में राज्य के स्तर पर विधायिका के अंदर आरक्षण, तीसरा आप इनके लिए विशेष आयोग जो बनाए गए उनके शिकायतों के निपटारे के लिए उसके बारे में बता देना है। ठीक है, ये सारी चीजों का वर्णन जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है। चौथी चीज जो आपको डालनी है वो नीति निदेशक तत्वों से डालनी है, डीपीएसपी से लेकर के डालनी है कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विशेष योजनाएं जिनके माध्यम से विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिनके माध्यम से जमीन प्लॉट या घर बनाने के लिए विशेष रियायत या डोनेशन या जिसको बोलते अनुदान वो दिया गया, उन सभी चीजों को कनेक्ट करते हुए आपको इसमें लिखना है। ये आपका सोशल जस्टिस का जो है सवाल हो जाएगा। ये घुले मिले हुए एक दूसरे के साथ, पॉलिटी सोशल जस्टिस एक दूसरे के साथ जो है हमेशा घुला मिला रहता है। ठीक है, उसको देख लेना है, वहां से मिलकर के सवाल आएगा और 100% आएगा क्योंकि यहां से सवाल बनता ही है, आता ही रहता है। प्रारंभिक परीक्षा में उसमें आपसे कई सारे सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, और उसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विशिष्ट वर्गों के लिए संविधान के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए या सरकारों के द्वारा कौन कौन से प्रावधान दिए, उसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग। एंग्लो इंडियंस को जोड़ करके सवाल आने की संभावना है उनके आरक्षण को लेकर के, तो उसको भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो यही है जो बुनियादी चीजें हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक, आर्टिकल्स देख लेते हैं सारे के सारे कि कौन कौन से मेन आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स को अगर देखोगे तो अभी वर्तमान समय में ये मैक्सिमम आर्टिकल्स जो देखोगे तो वो आपको काम के लगेंगे, कुछ प्री में काम आ जाएंगे, कुछ मेंस में काम आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 330, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है,
ये ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 331 ये इंपोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आंग भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधित्व था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। जब उसको हटा दिया गया है तो आर्टिकल 331 से रिलेट करके सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, तो आर्टिकल 332 भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम देते हैं, क्योंकि राज्यों के स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो सीटों का आरक्षण है वो 332 के तहत है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इनको आप स्किप कर सकते हो, 333, 34, 35, 36, इन चारों को स्किप कर सकते हैं, आप नहीं पढ़ना चाहें नहीं पढ़ें, लेकिन ऊपर के तीनों इंपोर्टेंट है, 330, 331, 332 जरूर याद कर लेना। इसके साथ अगले आर्टिकल पर चलते हैं, 337 को भी आप स्किप कर सकते हो, 338 इंपोर्टेंट है, 38A इंपोर्टेंट है, 38B जो है वो इंपोर्टेंट है, इनको याद करना है, ठीक है। इसके साथ साथ और बाकी के बाकी ये सारी की सारी चीजें, ये जो परिभाषाएं हैं, एक्सप्लेनेशन है, इनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। 339 जो है वो इंपोर्टेंट है, बाकी 40, 41, 42 और 42A इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ज्यादा इतने इंपोर्टेंट है नहीं, इनको ज्यादा जिनके ऊपर टिक लगाए हैं वो इंपोर्टेंट है। बाकी अगर इनको भी पढ़ लोगे तो अच्छी चीज रहेगी, नुकसान नहीं है, क्योंकि इनमें डिफाइन किया गया है कि अनुसूचित जातियां कौन है, अनुसूचित जनजातियां कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं वो पिछड़े वर्ग कौन से हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है जिनके ऊपर टिक लगाया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो करना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, क्लास को लाइक शेयर करते हुए चले जाइएगा, और क्लास पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर है कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें आपको पसंद आई, क्या क्या चीजें आपको काम को नहीं पसंद आई। अभी आपके लिए एक और भी क्लास होगी, रात में 9 बजे क्लास है, जिसमें हम सरकार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट, राष्ट्रीय दल जो है, नेशनल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो होने वाली है। साथ ही एक और इसका पार्ट नंबर 63 जो था, जिसमें हम सरकार के अधिकार और दायित्वों के ऊपर चर्चा करते थे, उसकी भी मे भी हो सकता है कि 6 बजे के आसपास वो क्लास आपकी लगा दी जाए, छोटी क्लास होगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, ठीक है। तो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर वो क्लास होती है तो, ठीक। चलिए तो लाइक शेयर करते चले जाइएगा, अनअकैडमी पर ऑफर चल रहे हैं, अभी आपकी फीस काफी कम हो गई है, 12 तारीख तक अगर आप रेफरल कोड लगाएंगे LY Live तो इसको लगा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, LYLIVE इसको लगाइएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको हमारी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। चलिए तो आप सबको बेस्ट विशेस, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।